ये बता दूं कि हमने जो नारेगांव का महानगर पालिका का स्कूल है उसको हमने बड़ा करने का और खूबसूरत करने का फैसला लिया है स्मार्ट सिटी के ज़रिए। औरंगाबाद में जो चंद स्कूल एक सिद्धिखाने के अंदर और एक नारेगांव के अंदर, ये मैंने अपने प्रायोरिटी के ऊपर लिया है। तो नारेगांव का महानगर पालिका का स्कूल बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनने वाला है। दूसरा, जहाँ तक रास्तों का मामला है तो मुझे भी मालूम है इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ रास्ते नहीं है। धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। आज हमने एक बहुत बड़े रोड का काम की शुरुआत की है। साथ ही साथ जो पिछले बार मैंने जो रोड बनाया था यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया कवर होता है उसका भी उद्घाटन आज हमने किया है। और ये समझ लीजिएगा कि जितना हमसे हो सकता है इंशाल्लाह हम करते हैं। कब्रिस्तान के बहुत बड़ा मुद्दा है। कब्रिस्तान के मामले में भी मुझे बहुत सारे निवेदन आए हुए हैं। हम कब्रिस्तान सिर्फ नारेगांव के हद तक नहीं है, इसके आसपास के जितने इलाके हैं सबके लिए कब्रिस्तान की जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम उसके लिए भी है तो काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के जरिए। सर भाई, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद शहर में जो है तो खासदार साहब कई रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या वजह है इतनी तेजी से जो है तो डेवलपमेंट शुरू करती है? देखिए, आज खासदार इम्तियाज़ साहब नारेगांव के अंदर आए थे। नारेगांव के अंदर आज खासदार निधि से जो है तो एक रोड की शुरुआत की गई और साथों साथ जो एक पिछला रोड जो खासदार साहब की निधि से बनाया गया था उसका भी जो था आज लोकार्पण खासदार इम्तियाज़ अली साहब के हाथों किया गया। इसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर खासदार इम्तियाज़ अली साहब की निधि से काम किया जा रहा है, रोडें बनाई जा रही है। वो रोडें सिर्फ अपने इलाकों में नहीं की जा रही, मगर जहाँ जहाँ रोडों की ज़रूरत है वहाँ वहाँ जो है तो खासदार साहब रोड बना रहे हैं। हर जुमे के दिन खासदार साहब जो है तो नमाज़ के बाद किसी एक अलग एरिया में होते हैं और रोड का उद्घाटन करते हैं। कल खासदार इम्तियाज़ अली साहब ने जो है तो कन्नड़ तालुके के अंदर भी चार रोडों का उद्घाटन किया। इसी तरीके से ज़िले के अंदर भी खासदार साहब उनकी निधि से जो है तो मदद कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि इतनी जो है तो स्पीड में जो है तो खासदार साहब काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बात बता दूं कि खासदार इम्तियाज़ अली साहब जब चुनकर आए उनके पीछे पीछे कोरोना भी आ गया और कोरोना की वजह से पिछले दो साल से खासदार इम्तियाज़ अली साहब की निधि बंद थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है तो एमपीज़ की जो है तो निधि बंद कर दी थी, मगर जो है तो क्योंकि पिछले मार्च या मई से खासदार इम्तियाज़ अली साहब की निधि की फिर से शुरुआत हुई है, दो साल के बाद ये निधि मिली है, तो जो पेंडिंग काम थे खासदार इम्तियाज़ अली साहब के वो अब खासदार साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद शहर जो स्मार्ट सिटी में आ चुका है, अगर खासदार साहब रोडों के ऊपर निधि नहीं भी खर्चा करेंगे तो उनको रोड बनाना ही है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट लगता है कि अगर रोडों के ऊपर खर्चा ना करते हुए किसी और जगह पर अगर विकास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम कैसा रहता मालूम है क्या?
सिर्फ कानों को खुश करने का काम है। सुनिए ना, स्मार्ट सिटी के तालुक से बताइए आप कितने रोड औरंगाबाद शहर के अंदर बन गए और बन रहे या प्रस्तावित है। जो ठाकरे सरकार के दौर में 100 रोड औरंगाबाद के अंदर मंजूर किए गए थे, वो 100 रोडों को भी जो है तो ये शिंदे सरकार ने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जिस रोडों के जीआर सेंक्शन हुए सिर्फ वो रोड जो है तो आज बनाए जा रहे हैं। तो मतलब अगर आपको 100 रोड स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के तहत दिए थे तो 100 रोडों में से कम 15 रोडें ही मेरे हिसाब से बन रही है, बाकी के 25 ही रोडें थे वो रुक गई। अगर खासदार इम्तियाज जलील साहब आज अगर नारेगांव जैसी बस्ती के अंदर आके एक रोड 420 मीटर का देते हैं तो ये स्मार्ट सिटी आपको नहीं देने वाली। इसलिए नहीं देने वाली क्योंकि नारेगांव के अंदर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भेदभाव करता है। हमारा कहना ये है कि आज आप बताइए, जो हमारे चचा बुजुर्ग है आप बताइए, औरंगाबाद सिटी के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर कितनी बार जो है तो पिछले 20 साल से आपने कितनी जो है तो एमपी निधि एमपी फंड से जो है तो रोडें बनते देखे, कितने देखे आप जवाब दीजिए। आज अगर आपको दिख रहा है तो ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत है कि हमारा खादर काम कर रहा। सिर्फ जो है तो रोडों के तालुक से इम्तियाज भी काम नहीं कर रहे, फंक्शन हॉल्स के तालुक से काम कर रहे, हॉस्पिटल्स के तालुक से काम कर रहे। आपको एक बात बताऊँ, हमारा एक बड़ा नेता है पूरे महाराष्ट्र का, वो नेता था गोपीनाथ मुंडे साहब, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब, उनके नाम से एक स्मारक बनने वाला था जालना रोड के ऊपर। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उसका विरोध मोदी साहब जो है तो गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम से नहीं था, विरोध इस बात से था कि गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए उनके पुतले के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे। वही करोड़ों रुपए अगर हम हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च करेंगे तो इससे जो है तो गोपीनाथ मुंडे साहब के एक इमेज भी जो है तो साफ सुथरी होंगी और जो है तो आवाम को भी इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। इम्तियाज जलील साहब ने एक PIL फाइल किए, PIL फाइल करने के बाद के अंदर कोर्ट के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़े। कोर्ट के अंदर लड़ाई इस बात के लिए लड़ी गई कि जो ज़मीन हमको चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए वो ज़मीन स्मारक को लिए दी जा रही। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्यों नहीं लेकर आए? सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के तालुक से ही बोलता हूँ आपको मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तालुक से कल 4 रोडे कन्नड़ तालुके के अंदर बनाए गए साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम के तहत बनाए गए। वो इम्तियाज भी की नीति में नहीं थे, मगर साथों साथ इम्तियाज भी और क्या काम कर रहे, रोजगार मेड़ावे ले रहे। नौजवानों को क्या चाहिए आज औरंगाबाद शहर के अंदर, ज़िले के अंदर? रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर बताइए आप मेरे को कौन सा ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो नौजवानों को रोज़गार में दिलाने के लिए कोशिश कर रहा या मेहनत कर रहा या जस्तुजू कर रहा। आज पिछले 3 साल से इम्तियाज जलील साहब लगातार रोजगार मेड़ावे ले रहे हैं दुआ फाउंडेशन के जरिए से और नौजवानों को नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल बाकी है और इंशाल्लाह आगे और देखने को मिलेगा विकास। 2 साल नहीं, 20 साल विकास देखने के लिए आपको मिलेगा। और मैं पूरी जो है तो जिम्मेदारी से जवाबदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब 2024 तक नहीं है, 2034 तक तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह था, यहाँ पे रोड नहीं बन रही थी, आज खासदार इम्तियाज भाई ने खुद आके उद्घाटन किया, अब सहूलत मिलेगी लोगों को, क्या कहते हैं? इसके पहले भी सामने 420 मीटर का एक रोड दिया है हमें और ये दूसरा रोड दिया है। अभी इंशाल्लाह नारेगांव में सबसे बड़ा स्कूल जो बनने वाला है तो इम्तियाज जलील साहब ही बना के देने वाले हैं हमें। आपका पूरा नाम बोलिए। मतीन मजीद पटेल, हमें खासदार इम्तियाज जलील साहब को नारेगांव के आवाम की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ।